आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को मिलाने वाली हूँ बहुत ही खास पर्सन से एंड अ फर्म जो कि उन्होंने भी शुरू किया है। तो यस, दैट इज हेल्थ प्लस क्लिनिक। सबसे पहले आप ये शेयर कीजिए हमारे अगर हम बात करें आयुर्वेदा, तो सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट पैटर्न है, आयुर्वेदा मोस्टली जो है होलिस्टिक अप्रोच रखता है। अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू से सफर कर रहा है, तो वहाँ पे आयुर्वेदा जो पर्सपेक्टिव है वो ऐसा है कि वो एज अ होल पर्सन देखता है, और वो जो सिम्टम्स हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, वो किस मतलब रूट कॉज कैसा है। जैसे ही सभी जानते हैं कि आयुर्वेदा प्रिफर करता है रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए कौन सा बहुत ही चैलेंजिंग केस रहा, तो उसमें ऐसे तो डिप्रेशन एंजाइटी नाउडेज जो है यूथ में यंगस्टर्स में काफी देखने को मिलता है। ऐसे ही एक यूथ हमारे पास आया विद कंप्लेन एंड डायग्नोसिस ऑफ एंग्जाइटी डिप्रेशन। जब वो मेरे पास आया तो उसके एक दिन पहले वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज होके आया था, तो वहाँ पे उसका एज यूजुअल ब्रेन से रिलेटेड कोई भी अगर कंप्लेन दिक्कत रहती है तो, और वो ज़्यादा सिम्टोमेटिक ज़्यादा है, तो जो है ऐसे केस में वहाँ पे MRI कराना ये सब बहुत ही कॉमन होता है। तो वो जो है यूथ का लगभग सारे ब्लड टेस्ट हो गए, MRI स्कैन करा लिए, सब कुछ करा लिए, सब नॉर्मल आया, बट स्टिल जो पर्सन है वो काफ़ी सफ़र कर रहा था। तो नेक्स्ट डे उन्होंने कहीं सुना था तो हमारे पास आए, तो और हमने उनका जो है ट्रीटमेंट चालू किया। और एज अ जो अगर हम कंप्लेन देखें तो ओवर एक्टिव ब्रेन, थॉट बहुत सारे, मल्टीपल थॉट्स एट अ टाइम, और किसी भी एक थॉट पे वो स्टिक ऐसा नहीं हो पा रहे थे, और हमने भी ट्रीटमेंट चालू किया। तो जब हमने इसके लिए तो मालूम पड़ा कि वो कॉलेज गोइंग पर्सन है और काफ़ी एक्टिविटी है, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस चक्कर में अगर हम और ये काफ़ी लंबे समय से वो सफ़र कर रहे थे, और बेसिकली अगर उनका ओवर बॉडी ऐसा लुक दिखते तो अंडरवेट में ऐसे आ रहे थे काफ़ी, 10-15 किलो अगर BMI के हिसाब से देखा जाए तो कम थे, बहुत ही थिन बॉडी लैंग्वेज इस तरह से बॉडी टेक्सचर था। तो वो हमने ट्रीटमेंट चालू किया, और अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रूट कॉज जो है वात पित्त कफ, जैसा कि हम बात करते हैं, तो वात पित्त कफ से ही सफ़र कर रहे थे। जैसे कि अगर कुछ समय के होते हैं तो हम एक दो कौन से दो साल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो देखते हैं, बट एज अ क्रॉनिक तो वात पित्त कफ में वात से ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, जो सिम्टम्स थे वात से रिलेटेड ज़्यादा थे। तो हमने अकॉर्डिंगली उनका जो है कंप्लीट फुल बॉडी जो है स्नेह सुधन करा, और उससे रिलेटेड हमने वात बैलेंस मेडिकेशन वगैरह दिए, और डाइट और लाइफस्टाइल में उस तरह से हमने जो है करेक्टिव मेजर्स लिए, तो इस तरह से हमने एक अच्छा रिजल्ट उनमें पाया। तो ये जो है, और जब हम ट्रीट कर रहे थे 1 month में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और वो पर्सन सामने से मुझे ऐसा कहता है, इसलिए मुझे केस ज़्यादा रिमेम्बरेंस में है कि सामने से उसने कहा कि सर अगर मैं आपके पास नहीं आता ट्रीटमेंट के लिए तो मे बी मुझे जो है पागल खाने जैसा, लाइक उस तरह से बातें की,
कि आगे का स्टेप वैसा रहता और रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हो सकते थे। और साथ ही साथ वो पर्सन जो यूथ मेरे पास आया ट्रीटमेंट के लिए और स्टिल मेडिकेशन चालू है टू अवॉइड रिवर्सल ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज टिल रिक्वायर्ड बेड, वी हैव टू अचीव रिक्वायर्ड बेड लाइक दैट इज सपोर्ट यू एज वी टॉक अबाउट दिस। वी नीड टू मेक हिम गेन वेट सम वेट। So he also said me that his father has told him, his father has told to him that say thank you to doctor. So इस तरह से okay sir। All right guys, तो मतलब इतना ये केस मतलब मेरी पहली बार सुन रही हूँ and I'm like wow, because जिस person को ये problem थी and I understand कि depression और anxiety जब जिस person को होता है उसके लिए क्या situation होती है, क्योंकि वो अकेला भी होता है तो वो अकेला नहीं होता है, because जो उसके thoughts होते हैं वो उसके खुद के लिए हानिकारक होते हैं, and वो चीज़ अगर cure हुई है आयुर्वेदा से that's actually commendable, क्योंकि जो patient ही बोल रहा है कि उसके पास आगे कोई चारा उसको नहीं दिख रहा था और वो पागल खाने जाने तक उसकी मतलब इतनी हालत हो गई थी। तो अगर ऐसा कुछ आयुर्वेदा ने और आपने अगर किया है तो it's actually commendable। All right. सो नेक्स्ट जिस चीज के लिए मैं आई हूँ दैट इज अगेन प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं जब हेल्थ कंसर्न आता है तो, एंड उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है आजकल, क्योंकि जब मुझे हुआ तो जब मैंने इसके बारे में देखना शुरू किया तो देखा कि हर एक सेकेंड पर्सन को मतलब चाहे वो 1 mm 2 mm और 6 mm हो है ही, और बहुत सारे लोगों ने ऑपरेट भी करवा लिया ऑलरेडी, एंड जितने बार भी हम जिसके पास जाते हैं बोलते हैं ऑपरेट ही करवाना पड़ता है नो मैटर व्हाट द साइजेस। तो इसी की कंसर्निंग में क्वेश्चंस आपसे पूछने वाली हूँ, तो प्लीज गाइड अस एंड मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये थोड़ा वैल्यूएबल होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर स्टोन ये होगा कि सबसे पहले मतलब हमको पता कैसे चलेगा कि यार हमको गॉल ब्लैडर स्टोन जैसा कुछ है भी, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं कुछ भी नहीं, और जब तक हमको सिम्टम्स मिलते हैं तब तक उसका साइज भी मतलब बहुत बड़ा हो चुका होता है जिसके लिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपका क्या थॉट है? मेरा कंसर्न ये है कि समय रहते कैसे मालूम पड़ जाएगा कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो इसमें ऐसा होता है ये सिम्टम्स तो पहले आने शुरू हो जाते हैं बट रियलाइजेशन बाद में होता है जब हम डायग्नोस करते हैं, जब एक्यूट फेज आता है उस समय जब इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो उसमें रियलाइज होता है, उसमें जैसे कि सोनोग्राफी में जब कराते हैं तो उस समय जो है सोनोग्राफी में क्लियरली जो है पता चल जाता है कि ये स्टोन है, बट सिम्टम्स पहले थोड़े बहुत तो रहते ही हैं, बट उसको नजरअंदाज किया जाता है कि नहीं ये एसिडिटी है, नहीं थोड़ा सा ज्यादा फूड ईटिंग ज्यादा हो गई है इसलिए गैस बन गई है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में हैवीनेस हो रहा है बिकॉज ऑफ एसिडिटी है, पेन भी है बिकॉज ऑफ एसिडिटी है, तो ये काफी ऐसे करते करते फिर जब वो एक पर्टिकुलर साइज का हो जाता है और जब सिम्टम्स थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं तो उस समय जो है इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है, उसके पहले तो थोड़ा सा अंदाजा ही नहीं होता है ये एसिडिटी तो है, इस तरह से देख के चलते हैं। सो बेसिकली गाइस लाइक यही है कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो, और नहीं भी है हमें अभी तक नहीं पता उसके बारे में, लेकिन अगर आपको बार बार एसिडिटी हो रही है, आपको बार बार हैवीनेस हो रहा है और एक पर्टिकुलर एरिया पे आपको पेन हो रहा है तो इट मीन्स कि कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड उसके लिए आपको चेकअप ही एक जरिया है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो। तो इसको इग्नोर नहीं करना है कि बार बार कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, इंडाइजेशन क्यों हो रहा है, गैस क्यों बन रही है इतना, तो उसका कुछ पर्टिकुलर रीजन हो सकता है। सो दैट्स द बेसिक वन थिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन ये है रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर स्टोन की क्या रीजन होता है किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर स्टोन होने के, क्या मतलब ऐसा क्या वो चीज अवॉइड कर सकता है जिससे कि उसे स्टोन ना हो। गॉल ब्लैडर स्टोन होने के कई कारण हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड कारण, डाइट ओरिएंटेड कारण, ठीक है, प्लस जो अननेसेसरी मेडिकेशन ओवर मेडिकेशन, ईटिंग हैबिट्स, ये जो भी है ये भी एक रोल प्ले करते हैं जो है स्टोन बनने के लिए। बट स्टोन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, जैसे कि ज़्यादातर स्टोन जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल, जब पित्त में जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके स्टोन हो जाते हैं, दूसरा कैल्शियम के, जब पित्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है तो उसके स्टोन हो जाते हैं, और जहाँ तक एक बिलीरुबिन से रिलेटेड, जब अनहेल्दी बिलीरुबिन जो है वो भी कहीं ना कहीं स्टोन बनाने में कारण होता है। तो ये तीनों कोलेस्ट्रॉल से बने हुए स्टोन, कैल्शियम और बिलीरुबिन से बने हुए स्टोन जो है ऐसे मुझे इस तरह से स्टोन बन जाते हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक कहते हैं कि ना मेंस और मतलब विमेंस में ज्यादा होता है गॉल ब्लैडर स्टोन, तो इज दैट करेक्ट, मतलब मेंस को कंपैरेटिवली कम होता है?
जैसा कि फीमेल में ज्यादा होता है या मेल्स में ज्यादा होता है, मोस्टली अगर देखा जाए तो फीमेल्स थोड़ा ज्यादा सफर करते हैं, इससे केसेस थोड़ा ज्यादा मिलते हैं। उसका ऐसा रीजन एक ये भी है कि जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ज्यादा प्रोनिसिटी अगर देखा जाए तो फीमेल ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। जैसे उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है तो वो ज्यादातर उसके लिए प्रोन एक रहते हैं, जैसे कि एक्टिविटी कम होना, तो उस वजह से जो है फूड इंडाइजेशन होना, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होना, कॉन्स्टिपेशन होना, और उसमें भी अगर अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स है, तो वो भी जो है जैसे हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल से बने हुए स्टोन, तो उस तरह से कैल्शियम से बने हुए स्टोन इस तरह से, और एक बिलीरुबिन से बने हुए स्टोन, ये जो मिक्सचर क्रिएट होता है ये मोस्टली इम्बेलेंस उसी लाइफ स्टाइल की वजह होती है, और जो कि फीमेल्स में ज्यादा वो लाइफ स्टाइल अनहेल्दी सिडेंटरी लाइफ स्टाइल देखने मिलती है। Alright, so next question is like very important कि कितने साइज का अगर स्टोन है तो उसे हमें ऑपरेट कराना चाहिए, अदरवाइज नहीं कराना चाहिए। अब बात करते हैं ऑपरेटर जो है रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। ये बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि और लोग काफी हेजिटेट भी करते हैं, काफी समय भी ले लेते हैं कि नहीं हाँ करते हैं ऑपरेट, नहीं करते ऑपरेट। मोस्टली साइज की अगर बात की जाए, जो गॉलब्लैडर स्टोन की जो जीबी कैल्कुलस की जो बात की जाए, मोस्टली 10 mm के ऊपर अगर रहे या 10 mm रहे और अगर सिम्टोमेटिक भी है और रिपीटेड सिम्टम्स हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो जहाँ तक है, और अगर कोमोरबिडिटीज भी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अदर मेडिकेशंस हैं, तो जहाँ तक है ये ऑपरेशन अगर रिपीटेड है तो एक तरह से देख सकते हैं ऑपरेशन के लिए, अगर सिम्टोमेटिक सिम्टम्स अगर परसिस्टेंट है तो। अदरवाइज जहाँ तक ले लो, ठीक है, एकदम जब एक्सट्रीम हो गया, सोनोग्राफी हुई, मालूम पड़ा स्टोन है, फिर सेम क्वेश्चन मुझे सारे क्वेश्चन जो भी कुछ उस समय जो है हमने उस हिसाब से उसको हैंडल किया, और सेम चीज़ है अगर स्टोन मालूम पड़ा है, अगर एक पर्टिकुलर 7-8 mm इस तरह से है साइज है, तो मोस्टली हमें ये देखना होगा कि जैसे आयुर्वेद क्या कहता है, अगर हम सब चीज़ों को कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव लाइफ स्टाइल में है, डाइट में है, हैबिट्स में है, अगर ये सब चीज़ें अगर 80-90% अगर रिवर्सल करते हैं और अगर एसिम्टोमेटिक होते हैं तो हम वेट कर सकते हैं, और रेगुलर जो है 2 months पे 3 months पे जो है एक सोनो चेक कर सकते हैं कि साइज कैसा है, अगर सबसाइड हो रहा है, प्रोग्रेसिव नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, साइज धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं विथ मेडिकेशन विथ लाइफ स्टाइल करेक्शन, तो कुछ हद तक वेट कर सकते हैं, और जो है सबसाइड जो है रिजल्ट अच्छा रिजल्ट के लिए हम वेट कर सकते हैं। ये जहाँ तक अगर वो लाइफ स्टाइल अगर रिवर्सल के नहीं कर पा रहे हैं तो गो फॉर सर्जरी, एंड अगर ट्राई लेना चाहते हैं कि नहीं हम लाइफ स्टाइल रिवर्सल लेंगे, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, स्टोन नहीं फॉर्म होने के, स्टोन नहीं बनने के, जो डाइट स्टोन नहीं बनने के जो है, तो वो सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना है लाइफ स्टाइल में, और फिर एक अनहेल्दी फेज गया, अब हम एक हेल्दी फेज में जब काम करेंगे तो हम कुछ रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर वेट करने हैं तो ये सब चीज़ें अगर करने का डिसाइड कर रहे हैं तो वेट करना है, और रेगुलर इंटरवल पे जो है सोनो चेक होगा जिसमें हम देखेंगे प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं या सबसाइड हो रहे हैं, कंप्लेन सबसाइड हुआ है, साइजेस कम हो रहे हैं, तो वेट करके देख सकते हैं और नेचुरली निकालने का देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल जाता है कि अब इन माय केस जब मैंने इनसे पूछा था, कंसल्ट किया था, तो उस टाइम मेरे जो सिम्टम्स थे बहुत ज्यादा सिवियर थे, एंड आज के डेट में जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया कि जो भी मेरे सिम्टम्स हैं रिलेटेड टू गॉलब्लैडर स्टोन वो बहुत ज्यादा सेटल हो चुका है, कुछ भी मुझे ऐसे फील नहीं होता दैट आई हैव अ प्रॉब्लम एनीथिंग रिलेटेड टू स्टोन। सो इन दैट केस अगर मैं रेडी हूँ कि मुझे जो भी जिस वजह से स्टोन हुआ है वो अगर मैं रिवर्स करने के लिए रेडी हूँ एज ही सेड, तो मुझे वेट करना चाहिए, एंड मैं स्टिल आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई, तो आई विल गिव इट अ ट्राई एंड वो चीज आपके साथ शेयर करूंगी, एंड अगर जो नहीं होता तो डेफिनेटली देन वी हैव टू गो फॉर ऑपरेटिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था, तो उसे गॉलब्लैडर स्टोन है 2 mm का है, तो लेकिन दैट केस शी शुड वेट और शी शुड गो फॉर व्हाटएवर द डॉक्टर विल सजेस्ट टू हर। 2 mm साइज मोस्टली रिकमेंड तो नहीं करते सर्जरी के लिए, बट सिम्टम्स कैसे हैं, और सेम चीज अगर 2 mm है तो आगे वो तो अगर जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, अगर वो परसिस्टेंट एज इट इज है, उस पर काम नहीं हो रहा है, तो वो आगे प्रोग्रेसिव चेंज देखेंगे, साइज आगे बढ़ सकते हैं अगर इस तरह से है, तो सेम चीज़ है डाइट लाइफ स्टाइल फॉलो करना ही होगा। जैसे ही एक अनहेल्दी जो फेस गया जिस वजह से ये चीज़ें हुई है,
एक हेल्दी फेज में आना है और जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है जैसे वो सब पे काम करते हुए जो है जो भी पॉजिटिव फैक्टर है वो सब पे काम करते हुए आगे वेट कर सकते हैं, सिम्टम्स नहीं है तो वेट कर सकते हैं और विथ मेडिकेशन विथ लाइफस्टाइल करेक्शन डाइट करेक्शन हैबिट करेक्शन तो ये सब करते हुए वेट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट द साइज इज, सबसे इम्पोर्टेंट गाइज आप डायरेक्टली डॉक्टर से कनेक्ट करें एंड उनके साथ में जब आप बात करके अपने सारी होलिस्टिक प्रॉब्लम को शेयर करोगे तभी कुछ ना कुछ रिसर्च निकल कर आएगा एंड दैट इज वाई आई एम गोइंग टू शेयर हिज डिटेल जो भी आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पे आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे जहां पे आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो डॉक्टर को। तो यस अपनी प्रॉब्लम शेयर करो एंड अगर उसके हिसाब से आप अगेन यू कैन गो अहेड। नॉट जस्ट गॉल ब्लैडर स्टोन ये तो एक एस्पेक्ट था गाइज, अगर उसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरी है या कोई अदर प्रॉब्लम अपने या अदर दिक्कतें डिस्कस करनी कैन डेफिनेटली रीच आउट टू हिम एंड विद दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग एंड डोंट कमेंट व्हाट आर योर थॉट अबाउट दिस वीडियो। आपको ऐसे वीडियोज और भी चाहिए तो definitely we'll do the collaboration. So with that note guys, we have come to the end of this video and I'm going to end this vlog here. I hope you have liked the video. If you have, do like, share, subscribe to my channel which is a form of information of the vlogs. I hope Mishma will keep coming back with such more videos. Until then, take care guys and yes, bye guys.